हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल साइको साइकोसूत्रा पर और ये है पार्ट टू पहले पार्ट में हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया था हमने उसके मैप के बारे में पढ़ लिया था पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ लिया था ओवरऑल ओवरऑल uh, पूरा व्यू दे दिया था अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको जाके देखें वरना आपको बहुत मुश्किल आने वाली इस वीडियो में ठीक है एंड फिर हमने फिज़िकल मैप पढ़ा था एशिया का फिर हमने पॉलिटिकल मेन एरियाज़ पढ़ा था ठीक है और हमने फिर फिजिकल मेन फिज़िकल रीजन्स पढ़े थे ऑफ एशिया ठीक है इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट के ऊपर थोड़ी बुकिश भाषा में ठीक है पहले मैंने नोट से पढ़ाया था अब मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी ठीक है सो क्लासिफिकेशन पर पढ़ेंगे हम ठीक है थॉन की क्लाइमेटिंग डिविजन ऑफ एशिया पढ़ेंगे ठीक है एंड अदर अफेक्टर्स अफेक्टिंग टू क्लाइमेट पढ़ेंगे कोपेंस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है so factors influencing the climate of asia asia is a vast continent many many climatic disparities are found here the following factors mainly affect the climate of asia being a huge continent the asia continent being very large has an effect on the climate of asia the total expansion of the continent of asia is 90 degree latitude and 165 longitude the सीधी सीधी भाषा में लिखा है ठीक है अच्छा अगर मैं इसका एक पहले ब्रीफ दे दूँ हम फैक्टर्स देख रहे हैं जो कि एशिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा पहली बात ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ठीक है बड़ा कॉन्टिनेंट है तो लार्ज एरिया है तो अल, अलग, अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस बनना लाजमी है ठीक है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक है थीके? फिर इंटरमीडिएट माउंटेन रेंजेस भी यहाँ पर अलग अलग हैं बीच में है इधर उधर ठीक है क्योंकि लार्ज एरिया ह्यूज कॉन्टिनेंट है तो माउंटेन रेंजेंस भी बहुत होंगे माउंटेन्स रेंजेस ज़्यादा होंगे ऊपर नीचे बड़े लंबे घने होंगे जितने ठीक है उतना ही क्लाइमेट में चेंज आएगा ठीक है लेटिट्यूड नल एक्सटेंशन से आई गई सी करेंट्स ठीक है सी करेंट्स ऑल्सो तो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ठीक है साइक्लोन से भी पड़ेगा ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया क्लाइमेट डिपार्टमेंट चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये तो मैंने ब्रीफ दे दिया ऐसे ही ठीक है बींग ए ह्यूज कॉन्टिनेंट द एशिया कॉन्टिनेंट बींग वेरी बिंग वेरी लार्ज एंड इज इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ एशिया द टोटल एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज बींग नाइन्टी डिग्री लैटिट्यूड एंड वन सिक्सटी फाइव डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इट्स सेंट्रल पार्ट इज मोर देन अबाउट टू थाउजेंड माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट बीच ड्यू टू द ह्यूज ड्यू टू द्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द बीच ऑफ द वास्ट ठीक है ऑफ द वास्ट सेंट्रल पार्ट द सी वेट विंड्स बिकम्स ड्राई एज द रीच हेयर देखो ड्यू टू द लॉन्ग अगर बीच में देखो इतना डिस्टेंस है ना सेंट्रल बीच में और सेंट्रल पार्ट में कि जब तक वो आती है तो सी इवेंट जो वेट बैंड्स होती है ना वो ड्राई हो जाती है ठीक है क्योंकि डिस्टेंस ही इतना है बीच से सेंट्रल पार्ट एशिया तक आते आते जो हवाएं होती है ना जो वेट विंड्स होती हैं गीली हवाएं अगर हम ठीक है वेट विंड्स जो होती है वो आते आते वहाँ आते आते रीच करते करते ड्राई हो जाती हैं दिस लार्ज पार्ट ऑफ द एशिया इज़ कोल्ड इन विंटर ठीक है एंड एक्सट्रीमली हॉट इन विंटर्स ठीक है द ए एयरफोर्ट देर आर ह्यूज डिफरेंसेज इन एनुअल टेम्परेचर इन यू नो डूरिंग समर्स एंड विंटर्स में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं एनुअल टेम्परेचर में इंटरमीडिएट माउंटेन रेंजेस इंटरमीडिएट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो दर हाई एंड द लार्ज माउंटेन रेंजेस सेपरेट स्प्रेड ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया हैवे अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट द वास माउंटेन्स रेंजेस एर स्प्रेड ऑल ओवर द सेंट्रल पार्ट divide the continent into two parts North Asia and South Asia due to these high mountain ranges. Cold winds coming from the north cannot enter the south due to which the temperature of the southern southern part does not fall much. Take Similarly these mountain ranges stop humid winds coming from the Indian Ocean and the Pacific Ocean in the south, right? Which keeps the central and the northern part of the Asia dry and these winds वुड हैव हैवी रेनफॉल इन द साउथन एंड द साउथिन पार्ट ऑफ द एशिया लाइक मौसम बरान में मेघालय हो गया ठीक है सबको पता है देख वर्ल्ड हिंट्रेनियस प्लेस प्लेस है लोकेटेड इन दिस सीजन लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें द लेटिट्यूड एंड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज़ फ्रॉम टेन डिग्री नॉर्थन लेटिट्यूड टूटी एटी डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड ठीक है Uh, मतलब टेन डिग्री साउथ एंड एटी डिग्री नॉर्थ यू मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बता रखा है ठीक है मोस्ट ऑफ द इट्स पार्ट्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्निस्टियर हेमिसफेयर ड्यू टू द हाई लेटिट्यूड एंड एक्सटेंड द क्लाइमेट ऑफ द थ्री लैटेस्ट इज फाउंड हेयर द टेम्परेट एरिया ऑफ एशिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर ठीक है इक्वेटर के पास होता है टेम्परेट पार्ट ऑफ द एशिया लोकेट रिसीव्स हाई टेम्परेचर कन्वेंटिव ठीक है कन्वेक्टिव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अबाउट थ्री फोर्थ ऑफ द एशिया इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन ड्यू टू विच द टेम्परेट क्लाइमेट इज़ फाउंड ओवर मोस्ट ऑफ द एशिया ठीक है इन द नॉर्दन पार्ट ऑफ द एशिया कोल्ड क्राइम कोल्ड क्लाइमेटिक क्लाइमेट इज फाउंड एट द एंड ऑफ साइबेरिया साइबेरियन प्लेट्यू साइबेरियन रीजन मैंने बताया है फर्स्ट उसमें ठीक है फर्स्ट में सारा इसलिए बोल रही हूँ अगर आप पहला वाला अगर आपने नहीं देखा है ना पहला वाला पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो भाई क्योंकि फिर ये वाला समझ में नहीं आने वाला क्योंकि मैं दोबारा अगर वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ें पिछले वाली बार बताऊँगी एक बार आप मैप के ऊपर आपकी पकड़ हो गई बड़ा सी ये सब ठीक है सी करेंट्स की मैंने बात बताई दी डेट द सी करेंट्स भी अफेक्ट करती है ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस द मानसून फ्लोज इन स्पेसिफिक क्वेश्चन इन एशिया द कुरियोसी वो द क्वरल इन द इंडियन ओशन अफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ द एशिया साइक्लोन्स की बात करें साइक्लॉन्न दट अकर इन द वे ऑफ बंगाल अरेबियन सी फिलिपींस एंड द इंडोनेशियन रीजन्स इन एशिया ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट हेयर तो क्या क्या अफेक्ट कर रहा था एशिया के उसको एशिया के एशिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुंस कर रहे थे एक तो ह्यूज कॉन्टिनेंट है इंटरमीडियट माउंटेन रीजेंस ठीक है एल्टीट्यूड एंड एक्सटेंशन ठीक है इंपॉर्टेंट फैक्टर सी करेंट्स एंड साइक्लोन्स ठीक है अब है एशिया क्लाइमेट डिपार्टमेंट ठीक है इसमें देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है मॉनसून क्लाइमेट है वार्म डेजर्ट क्लाइमेट है मेटेरियन क्लाइमेट है ठीक है क्लाइमेट सिमिलर टू ईरान तुरान लाइक क्लाइमेट क्लाइमेट सिमिलर टू चाइना क्लाइमेट सिमिलर टू मंचूरिया तिब्बत अल्टाई पेरीगी ठीक है टाइगा एंड ट्रा ठीक है ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ठीक है ये टोटल देखो कितने थी नाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ओके तो ये थर्टीन टाइप्स हैं ठीक है थर्टीन लाइक क्लासिफिकेशन में किया हुआ है जो कि हम देखो एशिया की क्लाइमेट डिपार्टमेंट में ये बारह टाइप बारह तेरह टाइप ये डिस्क्राइब्ड है सो so, देखो इस वीडियो का मैं ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रख रही हूँ कम रखी क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन होता है तो लाइक like, यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है एंड स्टोरेज प्रॉब्लम भी होती है और अपलोड करने के लिए की भी प्रॉब्लम होती है सो so, छोटी छोटी वीडियोज़ में बना रही हूँ ताकि आप छोटी छोटी ड्यूरेशन में देखें आपको आपको भी सहूलियत रहे मुझे भी सहूलियत रहे ठीक है सो इफ़ यू आर वॉचिंग आप पहला पार्ट जरूर देखें पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा बड़ा है आई नो बट बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एशिया में अगर आपको मैपिंग नहीं आती होगी ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप अभी तक बने हुए हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड ओके बाय सी इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय हैव अ नेक्स्ट डे